नमस्कार किसान भाइयों, यह वीडियो है मिर्ची में ब्लैक थ्रिप्स के लिए। किसान भाई सभी दवाइयों का उपयोग कर करके परेशान हो चुके हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने एक ऐसा आयुर्वेदिक जुगाड़ निकाला है जिससे ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल में हो रही है। तो क्या है वो जुगाड़, चलिए जानते हैं। उन्होंने क्या किया है, जो आप ब्लैक थ्रिप्स देखते हो जो बारीक बारीक होती है, बिल्कुल पत्ती के नीचे रहती है, वो खत्म ही नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करा है कि मेडिकल पर एक मेडिकेयर शैम्पू मिलता है जिसके अंदर रहता है सर्फेक्टेंट, लेमन, नीम ऑयल और रहता है करंज। इन चारों से बना हुआ ये मेडिकल शैम्पू बहुत अच्छा काम में आ रहा है। एक टंकी की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 पाउच लगने वाले हैं और ये मेडिकल पर आपको आराम से मिल सकता है। इसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और इसका रिजल्ट इतना शानदार मिल रहा है कि ब्लैक थ्रिप्स कहीं ना कहीं कंट्रोल में देखने को मिल रही है। और अधिकतर किसान भाइयों ने ये प्रयोग किया है और उनके यहाँ पर तो सक्सेस हो रहा है। अगर मिर्ची का भाव आने वाले टाइम में बढ़ता है और लाल मिर्च भी हमें यहाँ पर अगर 200 रुपए किलो अगर बिक जाती है तो फायदा हमारा ही है। तो ये मुझे जैसे ही मालूम पड़ी कि मेडिकेयर शैम्पू यानी कि हमारा सर्फेक्टेंट और करंज का तेल, नीम का तेल काम आ रहा है ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने में, तो वैसे ही मैंने वीडियो बनाई है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है। और यह शैम्पू है जिससे आपको टंकी में डालकर 15 पाउच 20 लीटर वाली टंकी में डालकर छिड़काव करना है। और साथ में आप और भी इस थ्रिप्स के लिए पाउडर वगैरह इसमें मिक्स कर सकते हो, कोई भी तकलीफ नहीं। और केवल इसका ही छिड़काव करो तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर साथ में आप अदर जो हमारी रासायनिक दवाई है वो डालकर करोगे तो अपना स्प्रे बच जाएगा, एक बार में दो काम हो जाएगा। और इसका रिजल्ट 80-90% किसान भाइयों को मिला है और ये मैंने उनसे खुद जाकर बात करी है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको अगर रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनकी मिर्ची जो है वो बची रह जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।